सीएम पर पलटवार करते हुए सुधीर शर्मा बोले, मानसिक संतुलन खो चुके हैं सुखविंदर सुक्खू। पूर्व कैबिनेट मंत्री के अनुसार सीएम सुक्खू को कुर्सी से हटाने के लिए लड़ रहा हूं चुनाव। कांग्रेस की राज्यसभा सीट हराने वाले विधायकों में शामिल सुधीर के अनुसार प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सुखविंदर सुक्खू की संपत्ति की भी होगी जांच। मुख्यमंत्री पर पिछले नॉमिनेशन के दौरान अचल संपत्ति अथवा जमीन छुपाने के आरोप भी जड़े। सुधीर शर्मा द्वारा सीएम के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर मानहानि मामले में 27 को होगी सुनवाई। दो दिन पहले धर्मशाला में आयोजित चुनावी सभा में सीएम सुक्खू ने सुधीर शर्मा को कहा था, भूमाफिया व बिकाऊ विधायकों का सरगना। कांग्रेस शासन काल में शहरी विकास मंत्री रहे सुधीर शर्मा पर जमीन घोटाले के आरोप लगाते हुए 10 दिन में तथ्य पेश करने की बात कह चुके हैं सुक्खू। कभी कहते हैं बिक गए, मुझे पता है मैं बता दूंगा। कभी कहते हैं अटैची कहां से खरीदे, मैं 10 दिन में बता दूंगा। अब कह रहे हैं भू माफिया है, मैं बता दूंगा। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल की राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता था। और खुद के कागज तो ठीक कर लेने चाहिए पहले। जो अपनी भूमि है, जो पिछली बार नामांकन किया था, जो उसमें दिखाई नहीं है, 10 दिन के बाद वो भी सामने आएगी। जब दूसरी चीज़ें आएंगी तो झूठ से कुछ नहीं चलेगा। लेकिन हमारे पास जो कुछ है वो तथ्य है कि किसके नाम कितनी भूमि, किसके भाई के नाम कितनी भूमि, परिवार के किस सदस्य के नाम कितनी भूमि। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बौखला गए हैं और इनका इलाज करवाना चाहिए इनकी मित्र मंडली को। मानसिक संतुलन जब व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो ऐसी ऐसी बातें करने लगता है। मुझे पूरी संवेदना उनके साथ। किसी भी मुख्यमंत्री के साथ कहीं प्रदेश में ऐसा हो जाए तो बेचारा ऐसे ही अनाप शनाप बोलने लगेगा। ये बिकाऊ का सरगना है जिसके खिलाफ हमने एक शराफत वाले प्रत्याशी को उठाया, पर वो राजनीतिक मंडी में बिका है और अपने साथ 5 और विधायकों को भी बेचने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में सौदा किया है। और जो बिकाऊ का सरगना है, उसने धर्मशाला में आकर क्या क्या किया है, ये आपको आने वाले समय में चुनावों से पहले एक एक उनका इतिहास क्या, जो उन्होंने जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया, वो सब चीजें इनके सामने रखी जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, जहां से भी इस बिकाऊ सरगना ने इनके अटैची बहुत भारी है, आप जानते हैं, और घर भी बहुत बड़ा बनाया है, मुझे लगता है कि कहीं वहाँ पैसे रखने के लिए काफी जगह है। हिमाचल के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एवं धर्मशाला से बीजेपी कैंडिडेट सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर पलटवार करते हुए उनका मानसिक संतुलन खराब बताया। सुधीर शर्मा के अनुसार अपनी कुर्सी जाता देख वह अकड़ तथा बोखलाहट के चलते चीफ मिनिस्टर की दिमागी हालत सही नहीं है और उनके करीबियों को समय रहते उनका इलाज करवाना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा 2 दिन पहले लगाए गए आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि वह विधायक बनने के लिए नहीं बल्कि सुखविंदर सुक्खू को कुर्सी से हटाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुधीर शर्मा ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अपने नामांकन में जमीन अथवा अचल संपत्ति छुपाने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उन पर जमीन खरीदने में गड़बड़ी के अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए धर्मशाला के तहसीलदार व SDM से उनके पूरे गांव व इलाके के लोगों की जमीन खरीद के इंक्वायरी कर उन्हें भी परेशान कर रहे हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने धर्मशाला में हुई इलेक्शन रैली में न केवल सुधीर शर्मा पर 6 कांग्रेस विधायकों के सरगना होने के आरोप लगाए थे बल्कि उन्हें भूमाफिया भी कहा था। सुखविंदर सुक्खू ने अपने भूमाफिया के आरोप साबित करने के लिए इलेक्शन से पहले के 10 दिन का समय दिया था। मुख्यमंत्री के अनुसार सुधीर शर्मा ने बहुत बड़ा घर बनाया है और इस घर में पैसे रखने की जगह भी बनाई है। गौरतलब है कि गत 27 फरवरी को 6 कांग्रेस विधायकों की बगावत अथवा क्रॉस वोटिंग के चलते बहुमत के बावजूद राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री लगातार सुधीर शर्मा पर हमलावर है। स्पीकर द्वारा सदस्यता रद्द किए जाने के बाद ये सभी 6 कांग्रेस पूर्व विधायक बीजेपी से टिकट लड़ रहे हैं और बाई इलेक्शन में इनके जीतने पर ही भाजपा महज 1.5 साल पुरानी सुक्खू सरकार के गिरने के दावे कर रही है। वर्तमान PWD मंत्री के पिता वीरभद्र सिंह अथवा कांग्रेस की सरकार के समय में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे और उस दौरान प्रदेश कांग्रेस में उनका कद वर्तमान मुख्यमंत्री से बड़ा समझा जाता था। विवादित बयान अथवा आरोप लगाए जाने के लिए सुधीर शर्मा हिमाचल हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का केस भी कर चुके हैं, जिस पर आगामी 27 मई को जानकारी के अनुसार अगली सुनवाई होनी है। वो ऐसे तारीख देते हैं जैसे कि कोई मैं किसी पेशे में सुधीर शर्मा ने जाना है। कभी कहते हैं बिक गए, मुझे पता है मैं बता दूंगा। कभी कहते हैं अटैची कहाँ से खरीदे, मैं 10 दिन में बता दूंगा। अब कह रहे हैं भू माफिया है, मैं बता दूंगा। वो यहाँ धर्मशाला तहसील में जो है वो
फ़ोन किया गया, SDM बदल करके जो लाए हैं उनको कहा गया है, जितनी भी रजिस्ट्रियाँ धर्मशाला में हुई हैं किसी के नाम से भी हुई हैं, ये हो सकता है क्योंकि सुधीर शर्मा के समर्थक हैं तो ये सुधीर शर्मा ही करवा रहा है। अब कुछ लोग हमारे गांव के हैं तो उनकी भी जो है कागज़ निकाले जा रहे हैं, और लोगों के अंदर ये बताना कि ये जो लोग सुधीर शर्मा के साथ घूमते हैं ये सारे काम सुधीर शर्मा ही करता है। जिनके बिजनेस हैं, किसी का होटल है उसके कागज़ निकाल के पूछ रहे हैं, यहाँ सुधीर शर्मा आता जाता है तो ये उसी का होटल है। इतनी बौखलाहट किसी व्यक्ति में आ जाए, बिल्कुल हास्यास्पद बात है। और ये मानना है कि हिमाचल की राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता था, और खुद के कागज तो ठीक कर लेने चाहिए पहले। जो अपनी भूमि है, जो पिछली बार नामांकन किया था, जो उसमें दिखाई नहीं है, 10 दिन के बाद वो भी सामने आएगी। जब दूसरी चीज़ें आएंगी तो झूठ से कुछ नहीं चलेगा, लेकिन हमारे पास जो कुछ है वो तथ्य है कि किसके नाम कितनी भूमि, किसके भाई के नाम कितनी भूमि, परिवार के किस सदस्य के नाम कितनी भूमि। तो जब ये चिट्ठे निकलेंगे तो पूरे तथ्यों के साथ निकलेंगे, लेकिन जो ये बुखलाहट में तलाश कर रहे हैं और आम आदमी को तंग कर रहे हैं, भाई कोई छोटा मोटा आदमी काम करता है उसको कह रहे हैं ये कागज भी सुधीर शर्मा के होंगे, रात को भी सपनों में सुधीर शर्मा नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बुखला गए हैं और इनका इलाज करवाना चाहिए इनकी मित्र मंडली को। मानसिक संतुलन जब व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो ऐसी ऐसी बातें करने लगता है। मुझे पूरी संवेदना उनके साथ, किसी भी मुख्यमंत्री के साथ कहीं प्रदेश में ऐसा हो जाए तो बेचारा ऐसे ही अनाप शनाप बोलने लगेगा। वो किसी की नहीं सुनते, वो किसी की सुनते नहीं हैं, वो अपनी भी मुझे लगता है कम ही सुनते होंगे, बस जो दिमाग में आ गया वही करना, कोई समझाता रहे, कोई कुछ बोलता रहे। तो उनकी अक्ल से बड़ी उनकी अक्कड़ है, उस अक्कड़ के चलते ही ये हाल हो गया प्रदेश के अंदर। तो मैं भी कह रहा हूँ लोगों को, मेरी लड़ाई जो ये उम्मीदवार पार्टी ने दे रखा है कांग्रेस ने, उसके साथ थोड़ी हमारी लड़ाई तो मुख्यमंत्री के साथ है। हम मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, प्रदेश की सरकार बदल रहे हैं, कोई विधायक थोड़ी बदल रहे हैं। विधायक तो मुझे भी पता है कि धर्मशाला की जनता ने मन बनाया हुआ है कि किसको वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, देश के अंदर सरकार बनेगी, और मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को भी हम आगे लेके जाएंगे। पूरे जोर का लगाएंगे, स्टेडियम से बाहर जाएगा। जहाँ जान पहचान है उनको भी बताना ये समय है, जहाँ देश के अंदर सरकार बदलेगी वहाँ मिलकर हमको प्रदेश के अंदर भी सरकार बदलनी। दूसरी पार्टी के लोग बुखलाए हुए हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इनकी बातों में नहीं आना है। हमने सही निर्णय सबके सामने निर्णय लिया है, अपनी मर्जी से लिए नहीं लिया है, अपने इलाके के लिए लिया है, प्रदेश के लिए लिया है। और पूरे देश में खत्म हो रहे हैं, पूरे देश में खत्म, इन सारी चीजों को देखते हुए ये जरूरी है कि देश में भी और प्रदेश में भी हम लोग सरकार बनाए मिलजुल करके। इलेक्शन लड़ता था तो जब ये थे यहाँ पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी का मजबूत बैठे हैं प्रधान जी। Yeah.